नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाकनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी भोपाल से, घर घर झंडा अभियान चलाएगी सरकार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झंडा अभियान चलाया जाएगा। 11 से 17 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। सभी कलेक्टर को जारी किया गया है आदेश और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये अभियान चलाया जाएगा। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, घर घर झंडा अभियान चलाएगी सरकार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झंडा अभियान चलाया जाएगा। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, यहाँ पर सभी कलेक्टर को जारी किए गए आदेश। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, यहाँ पर घर घर झंडा अभियान सरकार द्वारा चलाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झंडा अभियान चलाया जाएगा, बड़ी जानकारी। और 11 से 17 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी अहम खबर, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अभियान चलाया जाएगा। सबकी बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। भोपाल से बड़ी जानकारी, घर घर झंडा अभियान चलाएगी सरकार और स्वतंत्रता दिवस को लेकर झंडा अभियान चलाया जाएगा। 11 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, झंडा अभियान शुरू करने जा रही है सरकार, ऐसे में इस अभियान को लेकर क्या कुछ जानकारी? सत्रह अगस्त तक ये अभियान चलेगा। पूरा प्रशासन जो है तमाम जिलों में इस अभियान को चलाता हुआ नजर आएगा और सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश भी दिए हैं कि वो घर घर जाकर लोगों से संपर्क करें, एक जागरूकता अभियान चलाएं और घर घर 15 अगस्त के आसपास 17 से 19 अगस्त तक जो है वे घर घर लोग स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों पर, अपनी दुकानों पर, मकानों पर, बाजारों में हर जगह तिरंगा झंडा फहराएं। लेकिन तिरंगा झंडे के सम्मान का भी ध्यान रखा जाए और इसीलिए पूरी की पूरी गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरह से तिरंगा किस सम्मान के साथ किस रूप में फहराया जाना है। लेकिन ये बड़ा अभियान पहली बार एमपी में एक सरकारी अभियान चलाया जा रहा है कि घर घर तिरंगा फहराकर जो है लोगों को देशभक्ति की भावना से रूबरू कराया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। जी बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि घर घर जाकर ये जागरूक कराया जाएगा, ऐसे में वे कौन लोग हैं जो घर घर जाकर इस अभियान को लेकर लोगों को जागरूक कराएंगे, इस बात की जानकारी देंगे? देखिए, प्रशासन ये अभियान चला रहा है, सामाजिक अभियान है लेकिन प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है और इसीलिए प्रशासन के स्थानीय प्रतिनिधि जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पंचायतों के सचिव होते हैं, रोजगार सहायक होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, पटवारी होते हैं, आरआई होते हैं, सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं, ये तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में और इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय प्रशासन जो वार्ड के जो कर्मचारी हैं नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, वो इस अभियान के प्रति जागरूकता लोगों में लाएंगे और कोशिश इसी बात की करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा घरों पर, ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर तिरंगा उस दिन फहराया जाए। बिल्कुल ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।